होता क्या है एक छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है देखो नॉर्मली केमिस्ट्री में क्या होता है हमारी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज भी होती हैं तो ये वैल्यूज को एक स्मॉल फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है या हम बोल सकते हैं इतनी बड़ी वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते लिखने में मतलब कन्वीनियंट नहीं है वो तो हम उन वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस लाइक इन दिस फॉर्म एन मल्टीप्लाई टेन रिस्ट टू द पावर स्मॉल एन ये यहाँ पे जो एन होता है दिस कैपिटल एन लाइज बिटवीन वन टू टेन इसकी वैल्यू वन टू टेन में रहती है और जो आपका स्मॉल एन होता है इसी को एक्सपोनेंट कहा जाता है दिस इज एक्सपोनेंट एंड दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है ठीक है लाइक like मैं एग्जांपल की बात करती हूँ एक एग्जांपल ले रही हूँ फोर सिक्स एट थ्री पॉइंट फाइव ज़ीरो सेवन इस एग्जाम्पल को मैंने इस तरीके से लिखा फोर पॉइंट सिक्स एट थ्री फाइव जीरो सेवन इन टू टेन टू द पावर थ्री तो ये इस कहानी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डेसिमल था वो आपका थ्री प्लेस चला गया लेफ्ट साइड पे ये डेसिमल यहाँ था ना ये यह यहाँ चला गया थ्री प्लेस टू द लेफ्ट साइड ठीक है ताकि एक ही नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट रहे सो दैट ओनली वन नॉन जीरो लेफ्ट एक ही नॉन जीरो रहा ना तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो एक ही नॉन जीरो हमें छोड़ना पड़ेगा ठीक है तो इसका मतलब पे नंबर को आपने मूव कर दिया और एक्सपोनेंट उसका एक्सपोनेंट पावर में वो उतनी ही प्लेसेस आ जाएंगी ठीक है और उतनी प्लेसेस क्या आ गई टेन टू द पावर थ्री आ गई ठीक है ऐसे ही अब मैं एक नेक्स्ट नंबर ले रही हूँ जीरो पॉइंट जीरो 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 तीन जीरो है टू फाइव सिक्स मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर तो यहाँ हमने क्या किया हमें नॉन जीरो पहला लाने के लिए ये सारे डेसिमल को बल्कि यहाँ तक शिफ्ट करना पड़ा है ना तो यहाँ पे जब हम राइट right साइड पे जाते हैं ना जब हम शिफ्टिंग राइट साइड पे करते हैं तो वैल्यूज टेन की नेगेटिव में आती हैं और जब लेफ्ट साइड हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी तो तभी यहाँ पे अब क्या हो गया माइनस फोर साइंटिफिक नोटेशन में आ रहे हैं, है, ठीक है सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ठीक है अब जैसे मैं बात करती हूँ एक और साइंटिफिक नोटेशन की कर लो से क्या हो गया हाँ लाइक देखो अगर मैं बात करती हूँ एवोगेड्रो नंबर की एवोगेड्रो नंबर एवोगेड्रो नंबर को आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू वन थ्री सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री या आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है जब इसको फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्सप्रेस करना हो सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन वैसे लिखने में तो बहुत ही बड़ा होता है तो वैसा आपको नहीं लिखना आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो तो मास ऑफ नाइट्रोजन को हम लिख सकते हैं वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये था आपका साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका एक वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में कैलकुलेशन में कैसे एक्सप्रेस करना है ठीक है एंड ऑल्सो इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट मीन्स अ लॉट टू मी थैंक यू सो मच